question says, when the salt K is added to water, solid K liquid water, and this K is added into water. Now it dissolves with evolution of heat to form two products B and C. It dissolves on the B plus C to approximate, and there is evolution of heat. Okay. Now the properties of B and C. The properties of B and C. Solid A is added to water, it dissolves with the evolution of heat to form two product B and C, and property of B and C are entirely different from A and water. Product B and C cannot be reconverted into A and water. These can't be reconverted back. Okay. Now, when another solid D is added to water, it dissolves with the absorption of heat and to form product E. Now you have take other solid D which is added into water, and when it is added into water, it will absorb the heat. Isne heat absorb kari and form E. To form E, which cools down D. D can sublime on heating. This D can sublime on heating. The product E show the property of D and water. The product D, E show the property of D and water. Question change in solid A. Question kya bete, aapne kya likha? This question is not fully completed. So where you have taken this question? Product E shows property of D. Kehte ji product E jo hai, wo property of water and D show kar rahi hai. Theek hai? आगे चेंज इन सॉलिड ए क्या है? ये चेंज इन सॉलिड बेटा, अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो अगर ए को आप वाटर में डाल रहे हो तो बी और सी बन रहा है और हीट इवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है अगर ध्यान से देखो तो, क्योंकि एक नई सब्सटेंस बन रहा है आपका. ठीक है, अगर ए से बी और सी बन रहा है और इसकी प्रॉपर्टी ए की प्रॉपर्टी और बी और सी की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, पहले इन्होंने ये बोला है, तो एक तो ये बता रहे हैं कि ये केमिकल चेंज हो रही है. ठीक है, अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपकी रिएक्शन रिवर्ट नहीं हो रही, इसलिए केमिकल चेंज है. बी जो रिएक्शन है उसमें जो सब्सटेंस ली है आप सब्लाइम हो सकता है, इट कैन बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो because it can sublime. Gurupal, you don't know me and don't let me to tell you who am I. A will give you B and C. ध्यान से इसका ये समझो कि A B and C देता है और साथ में heat दे रहा है, और ये रिएक्शन रिवर्स नहीं कर सकते. अभी मुझे आपका दिस सीम्स टू बी इनकम्प्लीट,
बट यार जो स्टेटमेंट अभी तक आपने ये समझा रहा है वो यही कह रहा है कि अगर ये बैक नहीं कर सकते तो दैट इज अ केमिकल चेंज, और क्योंकि हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब जो डी सॉलिड है जब वो वाटर में डालते हो तो हीट एब्जॉर्ब करता है जो कि ई बनता है। ठीक, डी कैन सबलाइम ऑन हीटिंग, जो डी है उसकी सबलिमेशन हो सकती है, मींस वो एक ऐसा सॉलिड है जो कि सॉलिड टू गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है। एंड प्रोडक्ट ई शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ डी एंड वाटर, जो प्रोडक्ट ई बना है, जो प्रोडक्ट ई बना है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वाटर की भी और डी की भी। मतलब इनमें केमिकल रिएक्शन होनी नहीं चाहिए अगर दोनों की प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है तो। ये आइस भी हो सकता है, ड्राई कोई चीज है जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन। आई मुझे तो ये लग रही है कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि इट कैन सबलाइम इजिली, बट साथ में इन्होंने ये लिखा है कि इट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ डी प्लस वाटर। जो ई बनता है ना बेटे उस, ये लिख रहे हैं कि दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डी एंड वाटर। जब कोई न्यू चीज बन जाती है वो पुरानी चीज की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकती। अगर ये पुरानी चीज की प्रॉपर्टी शो कर रही है तो इसका मतलब आपकी न्यू चीज बनी नहीं है। द प्रोडक्ट ई शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ डी एंड वाटर, ये जो बना है दे आर सेइंग दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड डी। मतलब जो सॉल्यूशन बना है उसमें दोनों की नेचर है, ये सॉल्यूशन का फॉर्म बना है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ, नेफ्थलीन भी हो सकता है, तभी तो ये प्रॉपर्टी। जो चीज अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालते हैं जैसे सी, तो ये कार्बोनिक एसिड बना देगा, उसकी प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। मगर अगर आप नेफ्थलीन को जब आप पानी में डालते हो या ऐसे सब्सटेंस को डालोगे तो ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा ई। मुझे तो क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, कुछ मिसिंग है, ऐसे कैसे आप कंपाउंड बना बता सकते हो। सबने यहाँ तक ही, इसने थोड़ा आगे भी लिखा हुआ है चेंज इन सॉलिड ए, बट इस सी लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इज अ चेंज इन सॉलिड ए। अच्छा, बट इज अ चेंज इन सॉलिड ए, द सॉलिड ए से बी एंड सी बनते हैं तो दैट इज अ केमिकल चेंज। उसके बाद हाँ, तो ए बी सी डी कैसे आइडेंटिफाई करोगे इफ यू डोंट नो इन द सॉलिड, ये स्टडी नहीं आनी। फिर तो एवरीथिंग इज सॉलिड, ए से बी और सी बन रहा है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन। ए से बी और सी बनना, ए को आपने वाटर में डाला और आपको दो कंपाउंड मिल रहे हैं बी और सी, गेटिंग द पॉइंट। ए को पानी में डाल के आपको दो कंपाउंड मिल रहे हैं बी एंड सी। पहले ए का भी तो हिंट हो कि कौन सा कंपाउंड है सॉलिड ए। अब सॉलिड है तो कई मर्जी हो सकता है, कंपाउंड बी और सी भी जो मर्जी हो सकता है। बेटे सी, अगर ए को पानी में डाले तो दो न्यू चीज बनी, ठीक है, जिसकी दो जो न्यू चीज बनी है उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब पानी में तो मैं किसी भी चीज सॉलिड को डाल दूंगी, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। अब आपकी बुक में कौन सा सॉलिड है, कोई ना कोई सॉलिड किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम मेटल ही ले लेती हूँ, उसको वाटर में डाल दूंगी तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगी। सोडियम को अगर HCl वाटर में डाल दूंगी तो उसकी भी प्रॉपर्टी सेम, कोई मर्जी हम ले सकते हैं। अब दे हैव नॉट मेंशन्ड व्हिच सॉलिड इज एडेड,
हाँ विल टॉक, मैं देखूंगी। ठीक है, सप्लाई मीटिंग व्हाट इज शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोर्ड बी एंड व्हाट है। सॉल्व करी द प्रोडक्ट, देखो चेंजेस तो ये हैं कि ये केमिकल चेंज है और ये फिजिकल चेंज है। इसमें रिवर्ट हो सकता है, इसमें रिवर्ट नहीं हो सकता। सब बेटे इधर ने लिख रहे हैं ना, दिस रिएक्शन रिवर्सिबल। ये क्यों रिवर्ट है, ये लिख रहे हैं कि जो डी की प्रॉपर्टी है, डी और वाटर की प्रॉपर्टी है, वो ई शो कर रहा है। जब कोई चीज किसी की प्रॉपर्टी शो करती है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्स हो सकती ठीक बना न्यू है, वही तो ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये। अगर आप कार्बन जो चीज मान लो ये सबलाइम कर रहा है, इफ यू आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसको वाटर में डालोगे तो कार्बनिक एसिड बनाएगा, तो ये प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की नहीं शो करेगा। अगर सब्लिमेशन की बात करें, हमारे पास नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन वाटर में तो पहली बात है डिजोल्व भी नहीं करेगा। आप डिजोल्व कराओगे, दैट इज नॉन पोलर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक मैं आई सी टू क्वेश्चन, देन आई सी। बेटे नेफ्थलीन बॉल कैसे करेगा वाटर? आप मेरे एस जस्ट सी, नेफ्थलीन अगर मैं ले भी लूं, इफ आई एम टेकिंग डी हियर एंड पुटिंग इन द वाटर एंड हीट इज एब्जॉर्ब, ई नया चीज क्या बन रहा है? वो कह रही है ई इज न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। आई सी द बुक, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। बट बेटे व्हेन यू ऐड, लिसन टू मी, कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे वाटर में, जो कार्बोनिक एसिड है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी तो नहीं शो कर रहा। द प्रॉपर्टी शुड बी शोड, ये जो ई की प्रॉपर्टी है, दे आर सेइंग अस जो ई की प्रॉपर्टी है वो डी और वाटर जैसी है। वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं खो रहा। अगर आप नेफ्थलीन को पानी में डालते हो तो क्या नया कंपाउंड ई क्या बन रहा है, आप क्या बोलोगे? पानी में डालने की बात है ना, अकेली हीटिंग करने की बात होती तो हम कहते गैस बन गया। पहले आपने पानी में ऐड कर दिया उसको, अब हीटिंग करोगे तो गैस कैसे बनेगा? नीचे ही रह जाएगा, तो फिर वाटर तो ऊपर इवेपोरेट करेगा। चलो ये हमने मान लिया, अगर नेफ्थलीन है, ये कैसे बताओगे फिर ए एंड बी कौन क्या है? कुछ बेटे हिंट मिसिंग है इस क्वेश्चन में। इफ इट द हिंट इज मिसिंग, अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है तो सब्सटेंस, अगर मैं बोलूं कि इसको वाटर में डाला और बी एंड सी, तो कुछ मर्जी बन सकता है, किसी मर्जी को आप वाटर में डाल सकते। बेटे एक आधी चीज गिवन होगी, ऐसे किसी क्वेश्चन हो सकता है ये? कुछ भी नहीं गिवन, कुछ भी नथिंग। सो द मोर क्वेश्चन क्वाइट नाउ, देखें सोल्यूशन। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, इट गेट रिफ्लेक्टेड एब्जॉर्ब्ड स्कैटर्ड और डिफ्रेक्टिव। स्कैटर्ड द टिंचर ऑफ आयोडीन, अ सॉल्यूट इज डैश एंड द सॉल्वेंट इज डैश।
पिगमेंट ऑफ द नेचुरल कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय अब आपने कोई आंसर नहीं देना, मैंने ही पढ़ना है, मैंने ही आंसर देना, दैट्स इट। सब्सटेंस पी हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मेल्ट्स एट 80 डिग्री, बॉइल्स एट 150 डिग्री, इनसॉल्युबल इन वाटर, विच मेथड ऑफ द सेपरेशन वुड यू यूज टू ऑब्टेन प्योर पी फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पी एंड वाटर। अगेन आई एम सेइंग द सब्सटेंस पी, देखो इस इन्होंने टेम्परेचर सब मेंशन है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। द सब्सटेंस पी हैज ए फॉलिंग प्रॉपर्टी, मेल्ट एट 80 डिग्री, इट मेल्ट्स एट बिटे 80 डिग्री, बॉइल्स एट 150 डिग्री, इनसॉल्युबल इन वाटर, इफ यू विल मिक्स पी प्लस वाटर विथ सेपरेटिंग टेक्निक यू विल यूज। द ऑप्शन आर पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्वाइट, मैंने किसी से पूछा ही नहीं कुछ। Your fractional distillation answer is very much wrong. When they are saying that P doesn't dissolve in water, the distillation method is for the miscible liquids. ये तो हो ही नहीं सकता कि आप distillation opt कर लो जो immiscible liquids हैं. They are saying substance P has a following property: melt at 80 degree. Boils at 150 degree, insoluble in water, which is insoluble in water, that is not dissolving in water. How can you use the technique distillation? You can't. Distillation is meant for the substance which are miscible in liquid, which can dissolve in each other. So, isme the water ke sath ye dissolve kar hi nahi raha, pehli baat. Agar main chromatography ki baat karun, तो क्रोमेटोग्राफी भी वही प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि एक सब्सटेंस की अफिनिटी दूसरे सब्सटेंस के साथ है या नहीं है, ये भी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन बचती है क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन। वी कैन यूज फिल्ट्रेशन बहुत इजीली, पी को वाटर में डाला, उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ तो छान लो भाई, ठीक है, दैट इज फिल्ट्रेशन। A student mixed a small amount of iron filling and sulfur powder in a dish. A student mixed a small amount of iron filling and sulfur powder. Iron filling and sulfur powder in a dish. He couldn't effect the separation by simple hand picking. Which liquid will you suggest to separate, affect the separation? कहते जी उसको आयरन और सल्फर मिक्स करके दे दिया और उसको बोला टीचर ने कि सेपरेट आउट करे, वो हाथ से दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर सकता, तो आप कौन सा ऐसा लिक्विड उसको सजेस्ट करोगे कि जिससे वो सेपरेट आउट लिक्विड। द ऑप्शन आर बेटे कार्बन डाइसल्फाइड, कोल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर एंड कैरोसिन। कार्बन डाइसल्फाइड यू विल सजेस्ट, एज सल्फर विल डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, आयरन विल नॉट डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, दैट इज द सल्फर विच इज डिजोल्विंग, ठीक।
हाँ, इफ दे आर आस्किंग एनी मैग्नेट, फिर तो आयरन यूज कर सकते थे मैं सेपरेट आउट करने के लिए। मुझे यहाँ पे वो क्वेश्चन ही मिल जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चंस आर दीज। अच्छा लग रहा मुझे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी प्योर सब्सटेंस, अ कलरलेस लिक्विड दैट बॉइल्स ओवर द रेंज ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम 70 to 80। अ कलरलेस लिक्विड, इन सब में से आपको कौन सा प्योर सब्सटेंस लग रहा है? ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन आर गिवन इन दिस। A colorless liquid that boils over the range of temperature of 70 to 80. A green solid that start to melt at 80 and is completely melt at 90 degree. A white solid which produces a chromatogram consisting of one spot and a brown liquid that is completely miscible with water. Again, I am repeating it. Listen to me carefully. You have to tell us which can be a pure substance. Okay? A colorless liquid. Some this baat ko. A colorless liquid that boil over a range of temperature. Jo pure substance hote hain, unka ek sharp melting point aur sharp boiling point hoti hai. Pehli to ye baat samjho. ठीक है, जो एक प्योर सब्सटेंस होगे उनके शार्प मेल्टिंग और शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगी, उनकी रेंज नहीं होगी। कभी आपने सुना है कि वाटर को हम 100 डिग्री के अलावा कोई उसकी रेंज बोलते हैं? अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे तो आप 78 डिग्री ही बोलोगे, आप कोई रेंज नहीं बोलोगे। ठीक है, जो प्योर चीज होती है उसकी रेंज नहीं होती, उसका एक शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। जहां ये रेंज की बात कर रहे हैं, जैसे कि पहले में ये रेंज की बात कर रहे हैं, कलरलेस लिक्विड दैट बॉइल्स ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, रेंज नहीं होती। ठीक है, जो प्योर चीज होती है ना बेटे, उसका एक ही मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, अ ग्रीन सॉलिड भी स्टार्ट, एक ग्रीन सॉलिड है जो 80 डिग्री पे मेल्ट करना शुरू कर रहा है, 90 डिग्री पे मेल्ट पूरा खत्म हो रहा है, ये भी एक रेंज होगी कि 80 से 90 तक है। अ वाइट सॉलिड प्रोड्यूस्ड अ क्रोमेटोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन स्पोर, अगर मैंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ली और वो वाइट सॉलिड डाला और वो रन किया और मुझे एक ही स्पोर्ट मिली तो दैट इज अ प्योर वन, अगर मुझे वहां पे दो तीन स्पोर्ट मिलती तब वो इम्प्योर होता। वो रन किया, आपको एक ही स्पॉट मिली क्योंकि वो उसी ही केमिकल की थी, वो मिक्सचर नहीं था। अगर वो मिक्सचर होता तो उसकी दो तीन स्पॉट आती, अगर आपको एक ही स्पॉट आई है दैट मींस इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। नहीं, ओके, अ स्टूडेंट सेट अप द फॉलोइंग अपरेटस टू सेपरेट इथेनॉल। फॉलोइंग में इन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दी हुई है पूरी कॉलम, लेट मी ड्रॉ फॉर यू। So they have drawn a fractionating column for you.
बस नाउ इट इज बीइंग हीटेड बेटे, इट इज बीइंग हीटेड एंड हियर इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विद द बीड्स. बीड्स लगे होते बेटे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कुछ इस वे में ऐसे होते हैं वैसे, ठीक है. और यहां पे देयर इज अ कंडेंसर फिट ओवर हियर विच हैव इनलेट एंड विच हैव आउटलेट. And here a conical flask is prepared. Ek. Now they are asking you, this is a point A, this is a point B, this is C, and this is D. Now what is the question? Listen to me carefully. A substance set up the following apparatus to separate out ethanol which have boiling point 78 and water which have boiling point 100. When the thermometer first shows steady temperature, at which label point will there be the highest proportion of ethanol? When the thermometer first shows the steady temperature, at which label point will there be the highest proportion of ethanol? D point. Why? A, B, C, D. Options are A, B, C, D. कहते जी जब थर्मोमीटर एक स्टडी पॉइंट दिखाएगा टेम्परेचर का तो इथेनॉल की हाईएस्ट प्रपोर्शन A, B, C, D पॉइंट्स में किसमें सबसे ज्यादा होगी. बेटे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये पहले बॉयल ऑफ होगा जी तो ऊपर चला जाएगा. क्यों भी स्टडी का आएगी रुक जाएगा टेम्परेचर इसके बाद बढ़ेगा घटेगा नहीं. क्या लेट लीड का कंसेप्ट आ जाएगा गुरुपाल. अर्शदीप इज सेइंग टू रिपीट द क्वेश्चन. बेटे स्टूडेंट हैड सेट अप द अपरेटर्स एंड ही वांट्स टू सेपरेट आउट इथेनॉल एंड वाटर एंड अ टेम्परेचर इज रीच्ड विच इज स्टडी विच इज रुका हुआ एंड ही गॉट ए बी सी डी पॉइंट्स. नाउ दे आर आस्किंग यू एट विच पॉइंट द इथेनॉल इज एट मैक्सिमम एंड व्हाई. जल्दी करो टिल देन वी आर लैकिंग द टाइम. एक और क्वेश्चन कर लें. वाई बी विच व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट. देखो बेटे अब ध्यान से समझो यहाँ पे इथेनॉल वाटर है. जब टेम्परेचर एक रुक गया इसका मतलब क्या है कि आपका इथेनॉल ऊपर जाना शुरू हो चुका है. तो इथेनॉल यहाँ पे तो आपके दोनों के वेपर्स बन रहे हैं वाटर के भी थोड़े थोड़े हैं इथेनॉल के भी थोड़े थोड़े हैं. अब राइज यहाँ से करके यहाँ पे इथेनॉल जाएगा ठीक है. और क्योंकि ये एक फ्रैक्शनलिटी कॉलम है वाटर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर नहीं है हमारे पास दो ही मिक्सचर हैं दैट इज इथेनॉल और वाटर. तो यहाँ पे वाटर तो जाएगा ही नहीं इथेनॉल जाएगा अकेला वो इस कॉलम में जाके रुक सकता है समझ रहे हो. तो इसमें ज्यादा हो सकती है यस.